संसार ढूंढ कर देख लिया, परंतु मेरे अनुरूप पुरुष आज तक नहीं मिला। परंतु आज मुझे ये खबर मिली है कि पंचवटी में दो नए लड़के आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उन्हीं से दिल लगी कर लूं। क्या पता उन दोनों में से कोई एक मुझे अपनी पत्नी चुन ले, हाय मैं मर जाऊं। मैं तो सिगरे संसार फिरी, नहीं कोई मिला दिलदार सनम। मैं तो सिगरे संसार फिरी, नहीं कोई मिला दिलदार सनम, नहीं कोई मिला दिलदार सनम, नहीं कोई मिला दिलदार सनम, नहीं कोई मिला दिलदार सनम। मैं तो सिगरे संसार फिरी, नहीं कोई मिला दिलदार सनम। पंचवटी में दो लाल है आए, पंचवटी में दो लाल है आए, नाम है जिनके राम लखन। ए जी नाम है जिनके राम लखन, वे दोनों किशोर बसे मन में, वे दोनों किशोर बसे मन में, और छीन लिया मेरा तन। हाय दया, ये तो कितना सुंदर है। हाय, मेरा मन कर रहा है इसे अभी अपना पति चुन लूं, परंतु पहले इनसे इनका परिचय ले लेती हूं। अजी अजी, आप कौन हैं और इस विकराल वन में क्यों भटक रहे हैं? यदि कुछ हर्ज ना हो तो अपने वंश का परिचय दीजिए। हे देवी, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिताश्री की आज्ञा से 14 वर्ष वन में बिताने आए हैं। अच्छा, ये लक्ष्मण जी मेरे छोटे भाई हैं और ये हमारी धर्म पत्नी सीता है। हे देवी, मेरा नाम राम है, कहिए आपको मुझसे क्या काम है? यदि अनुचित ना समझे तो मुझे भी अपने वंश का परिचय दीजिए। अजी मैं अजी मैं तो लंकापति रावण की बहन हूँ। बहन खूबसूरती में, हाय दया,
खूबसूरती में तो मैं अपने आप ही नाजिर हूँ। मेरे भाई खर और दूषण इसी जगह पर रहते हैं और नाम के लिहाज से बंदी को सुनखा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई और उन्होंने कई बार अपनी किस्मत भी आजमाई, मगर बंदी किसी को भी खातिर में नहीं लाई। फिर यहां किस लिए तकलीफ फरमाई? इसलिए कि तुमने सूप नखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी यह पहेली हमारी समझ में ना आई। अरे देखने में तो बड़े अकलमंद मालूम पड़ते हो, मगर हो बड़े सौदाई। अजी आप मेरे खामिद और मैं आपकी लुगाई। अरे अब तो समझ में आई मेरे बाप की जमाई। जब अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में नहीं लाई तो हम फकीरों से शादी करने की क्या धुन समाई। अजी ये तो तबीयत है, जहां आई वहां आई, फिर कैसी गरीब आई और कैसी बादशाही। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, 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 यह संयोग विधि रचा विचारी। अवश्य ही इसमें विधि का कोई विधान छुपा है। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मेरे योग्य पुरुष आज तक नहीं मिला। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखूं खोजूं लोक से तुम्हारी। रहूं कुवारी, इसी कारण आज तक कुमारी बैठी हूं। ताते अब लगी रहूं कुवारी, ताते अब लगी रहूं कुवारी, ताते अब लगी रहूं कुवारी, मन माना अब तुम ही विहारी।
हे देवी, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। तुम लखन के पास जाओ, वे तुम्हें सुंदर जानकर अवश्य वर लेंगे। चलो हटो, लगता है तुम्हारे भाग्य में मेरा सब नहीं लिखा, तभी तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। खैर, कोई बात नहीं, मैं अब लक्ष्मण के पास जाती हूँ। हाय, मैं मर जाऊं। अरे अरे, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। हाय दया। अरे लक्ष्मण जी, सुनते हो? अजी, उनसे तो मैं दिल लगी कर रही थी, परंतु वास्तव में तो मैं आप ही से मोहब्बत का दम भरती हूं। छी छी, वो काला का लूटा, आप नूर का सोटा। आदमी ना आदमी की सूरत, भला मुझे उससे शादी की क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी, आप ही के चरण धो धो कर पीऊंगी। हे सुंदरी, मैं तो श्री रामचंद्र जी का दास हूं, आप उन्हीं के पास जाओ। क्या कहा, तुम दास हो? खैर छोड़ो, तुम कुछ भी हो, परंतु अब तुम मेरे दिल के स्वामी हो। देखो लक्ष्मण जी, अपना लो मुझे। जिंदगी भर पूरा जीवन तुम्हारा सुख के साथ बीतेगा। देखो, यूं ना ठुकराओ, अपना लो मुझे। हे सुंदरी, आप उन्हीं के पास जाओ। चलो हटो जाओ, लगता है तुम्हारे भाग्य में भी मेरा सुख नहीं लिखा। बिना सोचे समझे ही तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, ये तो हद हो गई। अजी अजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं, खाम खा परेशान कर रहे हैं? अरे वो छोकरा, अरे वो तो बिल्कुल नादान है, भला इन बातों की उसे क्या पहचान है? आप तो कहते थे कि बड़ा अलबेला जवान है, परंतु वो, छी, अरे वो तो अव्वल दर्जे का बदसूरत इंसान है। हाँ, दूर से तो कुछ भला मालूम पड़ता है, परंतु पास से, हाय दया, पास से तो मन कोसों दूर हट गया और मारे बदबू के दिमाग फट गया। देखो राम जी, मुझसे विवाह कर लो, मुझे अपना लो। हाय, मैं मर जाऊं। देखो राम जी, अपना लो मुझे, यो मेरा दिल ना तोड़ो। अब क्या बताऊं आपको, अरे मेरे इस रूप यौवन पे तो चंद्रमा तक शर्मा गया, इंद्र जैसे और ब्रह्मा जैसे राजा भी मुझ पर मोहित हो गए, परंतु आप न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं। अरे अपना लीजिए मुझे, यूं मेरा दिल ना तोड़िए। हे देवी, तुम इस बार फिर लक्ष्मण के पास जाओ, मेरे साथ तो जनक नंदिनी है। देखो राम जी, तुम मेरा दिल इस तरह ना तोड़ो, मुझे वर लो। अरे उसमें और मुझ में तुम्हें कोई अंतर नहीं दिखता। देखो लक्ष्मण जी,
अंतिम बार निवेदन कर रही हूं, मुझसे विवाह कर लो। अरे उनकी व्यथा मैं समझ सकती हूं, उनकी स्त्री साथ है, परंतु आप तो अकेले हो ना, आप तो मुझसे विवाह कर लो। देखो लक्ष्मण जी, बहुत निवेदन कर चुकी, अब मैं आदेश दे रही हूं, देखो मुझसे विवाह कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बहुत पछताना पड़े। ओ नीच ये बातें करने में, ओ नीच ये बातें करने में, तुझको कुछ लाज न आती है। भला इसमें लाज वाली क्या बात है? तुझको कुछ लाज न आती है, मुख से यह कहने से पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है। इसमें भला मरने वाली कौन सी बात है? हे कुल कलंकनी पिशाचनी, हे कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ नहीं है विवाह तेरा। अरे नहीं हुआ ना, तभी तो आई हूं। यदि हुआ नहीं है विवाह तेरा, तो तेरे संरक्षक से कह करवा दे ठौर कहीं तेरा। अरे तुम ही कर लो ना मुझसे विवाह। यदि विवाह हो चुका हो तेरा, नहीं हुआ। यदि विवाह हो चुका हो तेरा, तो जा निज पति की सेवा कर, तो जा निज पति की सेवा कर, वो ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। भांति व्यर्थ फिर इधर उधर, इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर, क्यों अपने लिए लगाती है। इसमें लाज वाली क्या बात है? मैं तो विवाह करना चाहती हूँ। क्यों अपने लिए लगाती है, निज पिता और निज भाई का व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। अच्छा तो अब इन दोनों भाइयों की चाल अब मेरी समझ में आ रही है। जब मैं राम के पास जाती हूं तो वो मुझे लक्ष्मण के पास भेज देता है, और जब मैं लक्ष्मण के पास जाती हूं तो वो मुझे राम के पास भेज देता है। इसका कारण क्या है? क्यों ये दोनों मुझे नहीं बिहा रहे? कोई ना कोई कारण तो अवश्य है।
अच्छा अच्छा, तो इसका कारण है ये सीता, सीता सीता सीता। इस सीता ने, अगर ये सीता बीच में ना होती तो मेरा काम कब का बन जाता। इस सीता ने ही, इस सीता ने ही मेरा काम बिगाड़ा है और मेरे बने बनाए काम में रोड़ा अटकाया है। अच्छा अच्छा, तो मैं पहले इसे ही अपने रास्ते से साफ करती हूं और धर के वे साक्षी का इसका संहार करती हूं। नहीं छोड़ूंगी, अभी कहा जाऊंगी इसे। नहीं बचा पाएगा इसे। अरे निर्लज्ज, तुझे वही रिहाएगा जिसने तरण के समान अपनी लज्जा को तोड़कर फेंक दिया होगा।